हे गाइस, तो अभी हो रहे हैं रात के 9। आज सुबह से कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था, सोचो तो सोचा चलो अभी से कर लेंगे। और बस यहाँ पे जो रात का तो कोई खाता नहीं है, तो बस जो भी इफ्तार के टाइम पे बना था वही खा लिया था। और मैं सभी लोग अभी थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, और मैं करूँगी बर्तन साफ़। किचन वगैरह मैंने साफ़ कर दी है, ताकि मतलब ये होता है ना कि सुबह सुबह फिर हमें बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो मैं ना रात में ही ज़्यादातर समेटा समाटी करके ही सोती हूँ, बेडशीट वगैरह ठीक करके सारी चीज़ें करके। तो मतलब ऑलमोस्ट जो है ना, समेटा समाटी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, और उससे ही घर ऐसा लगने लगता है कि हाँ बहुत साफ़ सफाई हो चुकी है। तो इसीलिए मैं ना रात में ही करके मतलब कर देती हूँ, तो सुबह मुझे इतने ज़्यादा काम नहीं रहते हैं। तो जब मैंने साफ़ कर दिए, अब मैं जा रही हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। तो बर्तन जो निकले थे बस वही साफ़ करने हैं मुझे यहाँ पे। ज़्यादा बर्तन नहीं है, आप लोग सोचोगे वो बड़े बड़े बर्तन ज़्यादा हो गए हैं, तो इसीलिए चलिए पहले मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी। जी यहाँ बर्तन हो गए हैं सारे साफ, और अभी मैं गेट चेक कर लेती हूँ। ये देखो खुला है, लगा दिया है गेट। अस्सलामुअलैकुम। तो चलिए अभी हम चलते हैं किचन में, पानी भी अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो जी यहाँ पे बन रहा है ब्रेकफास्ट, साथ में बना रही हूँ लंच, तो दोनों ही काम मेरे साथ में चल रहे हैं। यहाँ पे लौकी की सब्ज़ी बन रही है, हरी मिर्च की लौकी, दाल फ्राई, चावल वगैरह सब भी कुछ बनाऊँगी, वो आप लोग देख लेना आगे। और यहाँ पे बस इतना काम करने के बाद में मैंने नहा लिया था, और नहाने के बाद में ये आटा पिस के आ गया है, तो इसको अभी मैं टंकी में भर देती हूँ। तो गाइस अभी मैंने नहा लिया है, और नहाने के बाद में मेरा आज ना इतनी जल्दी काम निपट गया, सुबह ही मतलब 10:30 बजे के करीब मैंने सारा काम कर लिया था अपना। तो मैंने खाने में आज बनाया लौकी की सब्जी, हरी मिर्च की लौकी और दाल फ्राई, और बनाया है चावल, और है रोटियां, और है मिर्च तली हुई, और बस जस्ट अभी भी मैंने पापा जी को खाना दे दिया है, और अभी मैं खाना खाने जा रही हूँ। तो बस आटा भी आ गया था, ये लोग पिसवा कर ले आए थे आटा, क्योंकि अभी इस बार जो है ना हमारे यहाँ आप लोगों को पता है कि गेहूँ ही पिसवाते हैं, आटा नहीं लेकर के आते बाजार से, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोगों को पसंद नहीं है। अब ज़्यादा ही मजबूरी जैसे हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो उसी वजह से हम लोग जो है ना
बाहर से ले आते हैं, लेकिन घर का ही जो है ना गेहूं वगैरह पिसवा कर रखते हैं। तो आटा ये पिसवा कर ले आए थे और अभी मैंने भर दिया है। और बाकी के सारे काम हो चुके हैं। जितने भी बर्तन निकले थे खाना बनाने के बाद वो साफ करके रख दिए हैं। वैसे सुबह से मैं 2 बार बर्तन धुल चुकी हूँ, सॉरी 3 बार, सुबह से 3 बार बर्तन धुल चुके हैं। तो बर्तनों के इतने ज्यादा ढेर हो जाते हैं ना, तुरंत जैसे ही सिंक को खाली करो वैसे ही भरने लग जाती है वो दोबारा से। तो ऐसा ही होता है। और बस चलिए अभी मैं खाना ले लेती हूँ, धो कर रख देती हूँ पहले फ्रिज में। गर्मी आप लोग देख रहे हो ना, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। तो सुबह से ही जो है ना 12-40 के आसपास तक तो पहुंच ही जाता है, इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है। सुबह 7 बजे अगर आप उठ के छत पे जाओगे ना, इतनी धूप अपने लगने लगेगी, इतनी गर्मी लगने लगेगी। तो चलो अभी ऊपर चलते हैं, खाना खा लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे मशीन लेकर के बैठ गई हूँ काफी टाइम के बाद, क्योंकि मेरे जो कपड़े हैं ना ये मुझे फिटिंग करना था, क्योंकि ये कुर्ती मुझे ना बहुत ज्यादा लूज आती है, तो इसको मुझे फिटिंग करना है। और इसको मुझे थोड़ा सा सिलना है क्योंकि ये उधड़ गया है इसीलिए। तो अभी मैं ये काम कर लेती हूँ। आज मैं एक रेसिपी ट्राई करने वाली हूँ, वो है ऑनियन रिंग्स। खाए आपने? नहीं अभी नहीं। खाए? आप लोगों ने खाए हैं? अगर खाए हो तो मुझे कमेंट करके बताना, और जिसने नहीं खाए हैं वो भी मुझे कमेंट करना। तो चलिए अभी मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ, फिर मैं जाऊँगी किचन में और बना के इनको खिलाऊंगी ऑनियन रिंग्स के कैसे लगते हैं। खाए तो मैंने भी नहीं है, लेकिन मैंने एक रेसिपी देखी इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ में भी, फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। तो देखते हैं कैसे होते हैं, क्योंकि इसकी ना मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, जो इंस्टाग्राम फूड होते हैं उसमें फास्ट फूड होते हैं इंस्टाग्राम पे जो आते हैं जल्दी जल्दी वाली रेसिपी, सो वही वाली आज रेसिपी ट्राई करने वाली हूँ। ये अब मैंने रख दिया है इनको फोल्ड करके, अब चलते हैं किचन में कुछ बना लेते हैं। इसके लिए हमें ऑनियन चाहिए, तो ऑनियन अभी ले लेंगे हम। तो ऑनियन रिंग्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बड़े साइज के ऑनियन लिए हैं, उसको मैंने कट कर लिया है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ मैदा, 3 चम्मच मैंने मैदा लिया है। यहाँ पे 2 चम्मच मैं लूँगी कॉर्नफ्लोर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें डाल लेंगे लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर तो यहाँ और पे साथ देखो, में यहाँ पे बेकिंग सोडा। हमारी स्लरी तैयार हो गई है तो जो भी बनके। आपको मसाले इसको हमने डालने हैं, जैसे आपको चार टेस्ट चिकन चाहिए, जैसे चाहिए कि आपको तो हम चाहिए, लोगों ने बना इसमें लिया थोड़ा है। सा आप चाट मसाला भी और ऐड कर ये सकते हमारे हैं। ऑनियन ड्रिंक्स, हमने इसको इतना मोटा काटा है। और ये है हमारे ब्रेड क्रम्स, ठीक है, ये है ब्रेड क्रम्स। और यहाँ पे हमने रखा है ऑयल को गर्म होने के लिए, तो यहाँ पे हमने रिफाइंड ऑयल नहीं लिया है, हमने लिया है सरसों का तेल। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे, क्योंकि सरसों का तेल जब तक अच्छे से गर्म हो जाता है तो ही अच्छा लगता है, वरना इसमें से स्मेल आती रहती है। और इसका कलर जब ये अच्छे से गर्म हो जाता है ना, तो इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो अभी इसको वेट करेंगे थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक। यहाँ पे देख लेते हैं, हमें यहाँ पे ऑनियन को डिप करना है इस तरह से, इस तरह से हमें डिप करना है। और फिर इसके बाद हमें जो है इसके अंदर डालना है, इसके अंदर डाल के हमें इस तरह से इसको कवर कर देना है ब्रेड क्रम्ब से। उसको मैं यहाँ रख देती हूँ, ये इस तरह से हमें ये सारे जो ऑनियन रिंग्स हैं इस तरह से ही हमें बना लेने हैं। यहाँ पे देखो ऑयल में कितना धुआं निकल रहा है, अभी इसको और अच्छे से गर्म होने देते हैं, ठीक है, तब तक हम ये सारे कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है ये, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली अभी डालेंगे ना तो फिर ये जल सकता है।
तो चलो अब जो है एक एक करके इसमें रिंग्स डाल देंगे सारे। ये देखो अच्छे से कलर आ गया है इसमें, तो हम निकाल लेंगे इनको। बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं ये। अब ये वाले और डाल देते हैं। तो ये बन के तैयार हैं हमारे रिंग ऑनियंस। वाकई में यार बहुत क्रिस्पी हैं यार ये। और ये है टोमेटो केचप, तो इसके साथ में आप खाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने मियाँ जी के पास ले चलते हैं कि वो क्या कहते हैं इंस्टाग्राम वाली ये फटाफट वाली रेसिपी को कितने पॉइंट्स देते हैं। ठीक है चलिए चलते हैं पहले ऊपर। तो ये मैं लेकर आई हूँ ऑनियन रिंग। खा के बताओ मुझे कैसे लगे, कैसे बने हैं, क्रिस्पी कैसे लग रहा है, कितने नंबर दोगे आप इंस्टाग्राम की रेसिपी मैंने ट्राई की है? सात। चलो ठीक है हम भी ट्राई करके देखते हैं, 10 में से 7 तो मिले ही हैं। जूस हमारा बन चुका है। अच्छा जी एक कमेंट आया था मेरे पास, नाम मुझे याद नहीं किसका कमेंट था वो, क्योंकि नाम मैं याद नहीं रख पाती हूँ, मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। तो उसमें कमेंट आया था कि अब भी आपने बताया नहीं आप प्रेग्नेंट हैं। तो मुझे लगता है शायद यार आपने ना 2 दिन से मेरे कोई भी ब्लॉग नहीं देखे हैं। अगर आप देखती तो उसमें आपको पता चल जाता कि क्या था, और सब कुछ आपके सामने तो छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। तो मुझे थोड़ा सा हंसी आई, मुझे लगा कि मतलब लोगों को लगता है कि अभी मैं छुपा रही हूँ कुछ ऐसा। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे हम कट कर रहे हैं अपना खरबूजा। तो हमारा मैंगो शेक तो बन के तैयार है भाई, और अब लास्ट में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ इंटरेस्टिंग सी वीडियो, तो आप लोग उसको फुल वॉच कीजिएगा। हेलो एवरीवन, तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ ये बॉडी क्यूपिड के ऑलिव ऑयल शैम्पू और ये है कंडीशनर। तो ये जो शैम्पू है ऑलिव ऑयल, आप लोगों को पता है कितना ज़्यादा अच्छा होता है। ये जो शैम्पू है ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं भी शेयर करूँ। तो यहाँ पे ये दिया गया है, इसमें देखो ये किन किन चीज़ों में हेल्प करता है। तो इट हैज़ प्रीमियम क्वालिटी एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल विथ हेल्दी फैटी एसिड्स प्लस विटामिन ई एंड के टू हेल्प नरिश एंड रिप्लेनिश हेयर न्यूट्रिशन। ये हेल्प करता है बालों को नरिश करने में और अच्छा सॉफ्ट सिल्की लुक देने में हेल्प करता है। कन ऑर्गल ऑयल प्लस प्रो विटामिन B5 है जो हेल्प करता है बालों को मॉइस्चराइज करने में, स्कैल्प पे जो न्यूट्रिशन होता है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। अब बात करते हैं इसके कंडीशनर की। सो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है प्रीमियम क्वालिटी एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल प्लस सिया बटर, और यह हेयर क्यूटिकल्स को स्मूथ करने में हेल्प करता है, प्लस बालों में शाइन ऐड करने में हेल्प करता है, कॉम्बिंग करने में बड़ी आसानी हो जाती है क्योंकि डिटेंगल्स हो जाते हैं काफ़ी। और इन प्रोडक्ट्स में है नो पैराबिन, नो सल्फेट, नो मिनरल ऑयल, प्लस QR कोड दिया हुआ है इसके प्रोडक्ट्स के ऊपर जिससे आप इसकी ऑथेंसिटी को चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।